हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.4। हसन बायस टू काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीज 90 पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल ही बायस 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज रुपीज 36,600। हाउ मच ट्राउजर डिड ही बाय। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए 2 तरह का कपड़ा लिया है, एक शर्ट का और एक ट्राउज़र का। जो शर्ट की कॉस्ट है वो 50 पर मीटर है और जो ट्राउज़र है उसकी कॉस्ट 90 पर मीटर है। एवरी 2 मीटर ट्राउज़र के लिए उसको 3 मीटर शर्ट मटेरियल वो बाय करता है और उसको जो मटेरियल को सेल करता है वो 12% और 10% के प्रॉफिट पर रेस्पेक्टिवली सेल करता है। मतलब शर्ट को वो 12% पे और ट्राउज़र को 10% प्रॉफिट पे। उसकी जो टोटल सेल है वो 36,600 की है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसने कितना ट्राउज़र का कपड़ा परचेज़ किया है। तो आपको गिवन है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल 50 रुपीज़ और 1 मीटर ट्राउज़र का कितना है 90 रुपीज़। तो लेट टोटल शर्ट मटेरियल कितना है 3x, क्योंकि आपको रेशियो गिवन है कि 3 मीटर शर्ट के लिए उसको कितना ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदना पड़ रहा है 2 मीटर। तो एक तरीके से ही आपको क्या गिवन है रेशो। तो रेशो को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स में, तो ये हो जाएगा लेट टोटल शर्ट मटेरियल इक्वल्स टू 3x एंड टोटल ट्राउज़र मटेरियल 2x। इसके बाद टोटल कॉस्ट हमें शर्ट की निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि जितना मीटर होगा हमारे पास कपड़ा उसकी 1 मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास शर्ट का कितना कपड़ा है 3x, तो 3x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 50 के साथ, तो ये हो जाएगा 150x मीटर। नाउ टोटल सीपी ऑफ ट्राउजर विल बी 2x मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स टू 180x रुपीज़। नाउ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना होगा। अगर टोटल सेलिंग प्राइस निकालना हो तो उसका मतलब क्या है कि हमने उसको जितना हमें ख़रीदा है प्लस उस हमें उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम उसको वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका टोटल सेलिंग प्राइस के। तो आपको प्रॉफिट परसेंट गिविन है, तो प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में चेंज कर लेंगे। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं टोटल सेल टोटल कॉस्ट प्राइस पर। और टोटल कॉस्ट प्राइस जो शर्ट की आपको गिविन है वो है आपकी 150x रुपीज़। तो ये हो जाएगा टोटल सीपी, इट मींस 150x प्लस प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 12% ऑफ किसका लेंगे हम टोटल सीपी मींस 150x का। ये हो जाएगा 150x प्लस परसेंट को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई 150x। अब एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, 150 की जो एक जीरो है उससे 100 का एक जीरो कैंसिल। अब टू ऊपर 15 है नीचे 10 है, तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 10 और 5 3 15। अब 12 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 6 12, 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 18x। 6 3 18 और साथ में x है तो 18x। तो 150x प्लस 18x विल बी 168x। नाउ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है ट्राउजर का 180x प्लस प्रॉफिट किस पर निकालेंगे 180x पर, तो हो जाएगा 10% ऑफ 180x। अब परसेंट को चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 10/100 ऑफ 180x। अब नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो ऊपर हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 18x जो होगा 198x के इक्वल। नाउ जो टोटल सेल है वो आपको गिविन है 36,600 की, लेकिन जो हमारी टोटल सेल है वो कितनी है शर्ट की टोटल सेल प्लस ट्राउजर की टोटल सेल, दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 168x प्लस 198x इक्वल्स टू 36,600। दोनों को प्लस करेंगे ये होगा 366x इक्वल्स टू 36,600। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 366 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू आपके पास आई है 100। तो x क्या है आपका रेशो जो हमने निकालना था, अगर आपको 2x की वैल्यू निकालनी है 3x की तो उसमें x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके रेस्पेक्टिव जो क्लोथ है उसके उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें निकालना अमाउंट ऑफ ट्राउज़र, तो कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 100 इक्वल्स टू 200 मीटर। तो कितना कपड़ा उसने ट्राउज़र के लिए परचेज करा है 200 मीटर। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।